भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद करीब 14 दिन बाद लजान डायमंड लीग 2024 में हिस्सा लिया। नीरज ने लजान डायमंड लीग में पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना सीजन का बेस्ट थ्रो किया। हालांकि सीजन के बेस्ट थ्रो के बाद भी नीरज दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर रहने के बाद नीरज ने कहा कि पहले बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं था, लेकिन मैं अपने थ्रो से खुश हूं। बता दें कि लजान डायमंड लीग में नीरज ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 89.49 मीटर का थ्रो किया, जो पेरिस ओलंपिक्स में उनके 89.45 मीटर के थ्रो से बेहतर था। पहले कुछ प्रयासों में नीरज 85 मीटर का भी आंकड़ा नहीं छू सके थे। लीग में ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर का थ्रो कर नंबर वन की पोजीशन हासिल की, जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता थे। इवेंट के बाद बात करते हुए नीरज ने कहा, पहले अच्छा एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं अपने थ्रो से खुश हूं, खासकर अपने आखिरी प्रयास में दूसरा करियर बेस्ट थ्रो करने के बाद। यह मुश्किल शुरुआत थी, लेकिन वापसी शानदार थी और मैंने जो लड़ाई का जज्बा दिखाया उसका आनंद लिया। नीरज ने आगे कहा, भले ही मेरे शुरुआती थ्रो 80-83 मीटर के आसपास थे, लेकिन अच्छा फिनिश करने के लिए आखिरी के दो प्रयासों में कड़ी मेहनत। उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते समय मानसिक रूप से मजबूत रहना और लड़ना अहम है। गौरतलब है कि नीरज ग्रॉइन इंजरी से जूझ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने लजान डायमंड लीग में हिस्सा लेने का फैसला किया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने अपनी ग्रॉइन इंजरी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्जरी की तरफ भी देखा जा सकता है, लेकिन अब नीरज ने फैसला किया है कि वो सीजन एंड में सर्जरी कराएंगे। अब आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा 90 मीटर का मार्क कब टच करेंगे? क्या वो फाइनल्स में जो ब्रुसेल्स में खेला जाएगा डायमंड लीग 2024 का, उसमें वो 90 मीटर का मार्क टच कर पाएंगे या नहीं, या फिर वो जब सर्जरी के बाद अगले सीजन में वापसी करेंगे तब वो 90 मीटर का मार्क टच करेंगे? इसके बारे में अपनी राय हमें आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।